हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं जिसका ज़रूरत हर लेडीज़ को डिलीवरी के बाद पड़ सकता है। तो ये है हेयर फॉल से रिलेटेड। तो डिलीवरी के बाद ये पोस्टमार्टम जो होता है बहुत ज़्यादा, मेरा बेबी जो है बीच बीच में वो डिस्टर्ब करेगा ही, तो उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को इसको इग्नोर करते हैं और आगे आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ट्राई का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अब कैसा है इसका रिव्यू, तो इसको एक मंथ यूज़ करने के बाद ही दे सकते हैं। बट अभी ये प्रोडक्ट इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर डिलीवरी के बाद आपका जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे जैसा कि मेरा है हर जगह पर बस बाल ही बाल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा बाल जो है वो झड़ रहा है, टूट रहा है, तो बाल और आगे से ये जो है यहाँ से खाली हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसको अगर अभी से अगर क्योर नहीं किया जाए तो बहुत ज़्यादा फिर आगे हो सकता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाए और ये अंदर से स्किन जो है वो दिखने लगा है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ये ट्राई का प्रोडक्ट जो है आपके साथ कर रहे हैं शेयर। तो दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या आया है और इस प्रोडक्ट को, ये थोड़ा सा प्रीमियम है बट ये इफ़ेक्टिव है या नहीं ये आपको एक मंथ के बाद इसका रिव्यू हम देंगे। तो अभी ये अनबॉक्स करते हैं। ये प्रोडक्ट एक दो दिन पहले ही रिसीव हुआ है बट इसको आपके साथ भी शेयर करें, इस वजह से इसको पहले से ओपन नहीं किए थे, तो अभी इसको ओपन कर रहे हैं। तो क्या क्या आया है इसमें ये आपके साथ कर रहे हैं शेयर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अब ये और इसमें क्या क्या है ये देख सकते हैं, ये पूरा जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ट्राया जो है आपके रूट कॉज को पहले समझता है कि आपका क्या डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो सारे कुछ जानने के बाद ये डॉक्टर जो है ये रिकमेंड करते हैं। और इसमें क्यों रीज़न है आपका जो डाइजेशन से रिलेटेड है या फिर स्ट्रेस या स्लीपलेसनेस है बताया गया है। ट्राया कि आपका रूट कॉज को पहले समझा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो बहुत लोगों का डाइजेशन की वजह से, जिसका डाइजेस्टिव अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ट्राया जो है ये पहले आपके कॉज को पूछता है। आप पहले इसका ऐप जो है वो डाउनलोड करके उससे अगर ऑर्डर करते हैं तो उसमें सारा जो कॉज है वो पहले पूछा जाता है कि क्या क्या परेशानी है आपको और क्या प्रॉब्लम है आपके हेयर के साथ। तो डैंड्रफ है या ऑयली है या और भी क्या क्या प्रॉब्लम है, आप टाइम से सोते नहीं हैं या फिर 7-8 घंटे का जो नींद है वो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, बीच बीच में खुलता है नींद। तो ये सारा जो रीज़न है ये सब जानने के बाद फिर ये प्रोडक्ट जो है ये आपके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये डॉक्टर जो है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये ट्राया का जो प्रोडक्ट है ये पहली बार तो लिए हैं और इसके साथ ये पैम्फलेट भी है, तो ये भी आपको दिखा रहा है, ये देख सकते हैं इस तरह का है। ये एक हैंडबुक है, तो ये मेरा जो मंथली प्लान है इसमें डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किए हैं वो 3 मंथ्स के लिए है और बहुत लोगों का अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो उनको 5 से 8 मंथ के लिए जो रिकमेंड किया जाता है कि इसको कंटिन्यू आप यूज़ करें। तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा है नहीं, बस 3 मंथ के लिए है। तो सारे लोगों का अलग अलग जो रीज़न होता है उसकी वजह से अलग अलग दिया जाता है। लिखा है कि आपको कंसिस्टेंट बनाए रहना पड़ेगा तभी आप इसका रिज़ल्ट जो है वो देख पाएंगे। और अगर ठीक से अगर इस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया तो फिर अच्छा रिव्यू जो है रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक शैम्पू है, ये दिया गया है जो कि पैराबेन फ्री है और एंटी डैंड्रफ है, क्योंकि मेन कारण जो है हेयर फॉल का होता है वो होता है डैंड्रफ। तो सबसे पहले अगर डैंड्रफ है आपके बाल में तो डैंड्रफ को पहले ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए है। और फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको जो डैंड्रफ है आपके हेयर में वो कम हो जाएगा इसके वजह से। तो ये शैम्पू है, बाद ये स्कैल्प ऑयल है जो कि दिया गया है रात को डेली आप लगाएंगे, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और ब्लड फ्लो जो है वो सर्कुलेशन जो आपके हेयर का वो बढ़ेगा,
जिसके वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो जल्दी होगा। और हेयर स्केल्प के साथ ये भी एक छोटा सा जो है ये इसको मिक्स करना है। और ये मेरा बेबी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बाद को इग्नोर कीजिएगा। और मेरा जो है प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल हो रहा है, उस कंडीशन को देखते हुए ये मॉम संतुलन एक टैबलेट दिया गया है, तो दो दो टैबलेट दो टाइम खाना है। तो ये है एक, और ये एक सीरम है, तो सीरम को भी इसमें दो बार यूज़ करना है। ये भी है, और एक नेज़ल ड्रॉप है जिसको कि रात में दो तीन ड्रॉप आपके नाक में डाल के सोना है, जिससे आपको अगर नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है उसके वजह से अगर प्रॉब्लम है तो ये सही करेगा आपके, और आपके स्ट्रेस को भी दूर करेगा। मेरा बेबी जो है ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वीडियो बनने दे, तो पहले इसको बनाते हैं चुप करा। तो ये अकेले नहीं रहना चाह रहा है और इनको भी बैठना है गोद में, तो इसलिए इनको इनके साथ ही आज वीडियो का आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो यहाँ देख सकते हैं ये मॉम संतुलन जो है ये पोस्टपार्टम, जैसे कि डिलीवरी के बाद 6 मंथ या 1 साल तो लग ही जाता है मिनिमम सबको अपने दोबारा जो बॉडी जो है बिल्कुल पहले जैसा हो सके, तो 1 साल का वीडियो जो था यही ट्राई के प्रोडक्ट के बारे में था। तो आपको ये अगर लेना हो तो आप ऑनलाइन इसको ले सकते हैं ऐप के थ्रू, तो देख सकते हैं। और ये इस तरह का है प्रोडक्ट। तो मिलते हैं आपसे इस रिव्यू को लेके 1 मंथ के बाद, और मेरा कैसा हेयर फॉल या डैंड्रफ कंट्रोल हुआ या नहीं ये आपके साथ करेंगे शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यहाँ तक अगर पूरा वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।